स्टेप मदर और स्टेप सन के बीच में अफेयर हो जाता है, पर अचानक से फादर की डेथ हो गई। इसके पीछे कौन है, ये आज की हमारी मूवी की मिस्ट्री है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको विकेड माइंड्स, ये 2003 की एक थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और एंडिंग भी ट्विस्टेड है। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और एक लड़का अपनी जान बचाकर घर से भागता हुआ हम देख सकते हैं। ये भागते भागते एक लिफ्ट तक आ गया। अब इसके बाद यही हमें स्टोरी बताना स्टार्ट करता है। वो कहता है, जब लाइफ इस पॉइंट पर आ जाती है तो हम किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है होल्डन, इस सब कुछ चीजें पुलिस को बता रहा है। फ्लैशबैक में हमारी मूवी स्टार्ट होती है। वो अभी अभी हार्वर्ड से अपनी एजुकेशन कम्प्लीट कर फिर से घर आ रहा था। बचपन में ही उसके फादर उसकी मदर को छोड़कर चले गए थे। बाद में उसकी मदर की डेथ हो गई। वो अकेला ही रहता है, पर फादर ने उसे वैकेशन के लिए बुला लिया। उसके फादर हमेशा बिजी रहते हैं, पर फिर भी इनकी रिलेशनशिप को एक चांस वो देना चाहता था। वो घर पर आया, अपनी मेड से मिला जो बचपन में उसका ख्याल रखती थी। एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। होल्डन फिर अपने फादर को ढूंढते हुए उनके बेडरूम में गया। वहां पर लाना बात ले रही थी। उसे ऑकवर्ड लगा तो डोर वो बंद कर लेता है। तभी उसके फादर आए, उसे देखकर बहुत खुश थे। ये दोनों इतने दिनों बाद मिले, पर फिर भी फादर होल्डन को ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए टोकते हैं। फादर बहुत ही खुश थे क्योंकि उनकी लाइफ में अब लाना है। लाना ने उन्हें होल्डन से इंट्रोड्यूस करवाया। वो कहते हैं, ये मेरी वाइफ है। इस बात से वो सरप्राइज था, पर फादर लाना के साथ खुश है। आज रात ऑक्शन और पार्टी थे। फादर जरा बिजी हो गए तो लाना और होल्डन बात करते। इनका मिलना जरा एम्बेरसिंग था, तो लाना कहती है, ज्यादा वरी मत करो। उसने उसे मजाक लेता हुआ कहा, तुम तो बहुत ही हैंडसम हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी। होल्डन कहता है, उसने मुझे धोखा दिया था। लाना फिर कहती है, तुम्हें बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड मिलेगी, वरी मत करना। उसकी एक फ्रेंड है, उसे उसे मिलवा देती है। इस फ्रेंड का नाम था निकोल। यही इस ऑप्शन में फादर लाना के लिए एक बहुत ही अच्छा सा नेकलेस बाय करते हैं। इसी की ब्यूटी के बारे में बताते हुए लाना कहती है कि प्राइसलेस है। फादर कहते हैं, हर एक चीज की प्राइस होती है, रिलेशनशिप की भी। इसका मतलब है फादर को लगता है कि लाना सिर्फ पैसों के लिए उनके साथ है। ये सब बातें कर रहे थे तो इनके साथ फादर का लॉयर हैरी भी था। हैरी और लाना को कंफर्टेबली बात करता देखकर फादर जेलस हो गए। लाना उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं। होल्डन ये देखता है, उसे लगता है कि जिस तरीके से उसके फादर उसकी मदर को मारते थे, लाना को भी उसी तरीके से अब्यूज करते हैं। इसके बारे में उसने लाना से बात की, पर लाना कहती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आज का डे फादर होल्डन के साथ स्पेंड करना चाहते थे। अपनी न्यू कार वो उसे दिखाते। होल्डन को ये कार बहुत पसंद आई थी, पर फादर अपनी कार को उसे टच भी नहीं करने देते। इसके बाद ये दोनों फादर के ऑफिस में आए। पूरा डे स्पेंड करने वाले थे, पर अचानक से कुछ काम आ जाता है। होल्डन अकेला ही घर पर आ गया। लाना पूछती कि इतने जल्दी क्यों आके। लाना उसे कहती है, तुम्हारे फादर के साथ आज रात मेरा डिनर था, वो भी उसने कैंसिल कर दिया। वो कहती है, क्यों ना हम दोनों हैंग आउट करें। इसके बाद लाना ने उसी गाड़ी को गैराज से बाहर निकाल लिया। होल्डन डर रहा था, पर फिर भी वो कहती है, तुम्हारे फादर को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। ये दोनों फिर टाउन में एक बार में आए, पर बार बंद था। पर लाना इसके ओनर को जानती है। चाबी ढूंढकर ये अंदर घुस गए। ड्रिंक्स करते हुए एक दूसरे के बारे में जानते हैं। लाना छोटे से टाउन से आती है। उसकी बचपन और उसकी लाइफ ये बहुत ही हार्ड थी। होल्डन के फादर कितने अजीब है इसके बारे में भी उन्होंने बात की। ये दोनों ड्रंक थे तो आज रात इंटीमेट हो जाते हैं। रात में जब फादर को पता चला कि लाना ने उनकी गाड़ी ली थी तो बहुत ही गुस्सा हो गए। अगली सुबह लाना के बॉडी पर मारने के निशान ये होल्डन नोटिस करता है। ब्रेकफास्ट के वक्त फादर ने उनकी मेड को, उसका बर्थडे था, इसके लिए अच्छा सा हॉलीडे प्लान दिया। वैसे लोग फादर को फिगर आउट नहीं कर पाते, कभी कभी बहुत ही अच्छी चीजें वो करते हैं तो कभी बहुत ही घटिया। इसके बाद उन्होंने होल्डन को बास्केटबॉल खेलने के लिए इन्वाइट किया। होल्डन जीत रहा था, तभी उसके पेट में उसे पंच करते हैं। कहते हैं, कभी भी मेरे कार को हाथ मत लगाना। रात में जब फादर डीप स्लीप में थे तो लाना और होल्डन फिर से मिले। लाना उसे कहती है कि हमने जो भी किया एक गलती थी, इसे भूल जाना। ये ट्राई तो करना चाहते पर अपने आप को रोक नहीं पाते, फिर से इंटीमेट हो गए। रात में फादर की नींद खुली तो होल्डन के रूम में आते हैं। लाना बहुत ही डर गई थी, वहीं पर छुप गई। फादर ने आज जो भी किया था इसके लिए उन्होंने होल्डन को सॉरी कहा।
जब भी फादर घर से चले जाते थे तो लाना और होल्डन इंटीमेट होते। एक दिन लाना होल्डन से कहती है, हम दोनों के फादर बहुत ही घटिया थे। बचपन में लाना के फादर उसे अब्यूज किया करते थे। जैसे उसकी सिस्टर बड़ी हुई वैसे उसे भी अब्यूज कर सकते थे। तो एक दिन लाना ने उन्हें बहुत ही ड्रंक कर दिया। उसके फादर को मगरमच्छ की शिकार करने की आदत थी। वो उसी ड्रंक हालत में बोट पर शिकार करने के लिए गए। उनका बैलेंस गया और मगरमच्छ ने उन्हें निगल लिया। हमने प्रीवियसली देखा था कि लाना ने होल्डन को निकोल से इंट्रोड्यूस करवाया था। उसी के साथ डेट के लिए निकोल उनके घर पर आई हुई थी। ये देखकर लाना को बहुत ही जेलस लगता है। ये सब बातें कर रहे थे तो फादर होल्डन के एजुकेशन के बारे में बताते हैं। निकोल ने उसका फ्यूचर प्लान उससे पूछा तो होल्डन कहता है, मुझे आर्किटेक्चर में बहुत ही इंटरेस्ट है। फादर को ये बात सही नहीं लगी। वो कहते हैं, इससे तुम्हारा कुछ भी लाइफ में होगा नहीं, कल से तुम मेरे साथ काम करना, थोड़ी ईयर्स में तुम मिलीनियर बन जाओगे। होल्डन निकोल के साथ डेट पर जाकर डायरेक्टली घर आ जाता है। उनके बीच में कुछ भी हुआ नहीं था। होल्डन आज अपने फादर की वजह से गुस्सा है। घर पर वो लाना से मिला। उसे कहता है, वो हमेशा मेरी लाइफ मैनिपुलेट करते रहेंगे, उसे यहाँ से निकल जाना है। लाना कहती है, मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है। उसे प्यार करने लग गई थी। अगले दिन होल्डन और उसके फादर इस शिकार के लिए गए। शिकार करते वक्त उसके फादर सर्कल ले रहे थे। होल्डन के पास आज अपॉर्चुनिटी है, वो अगर चाहे तो अपने फादर को मार सकता है। उसने एम तो किया पर अपना माइंड वो चेंज कर देता है। घर आकर उसने अपने फादर के लिए मिल्कशेक बनाया। फादर अपने मैरिज की फोटोज देखते हैं, कहते हैं कि उस दिन मैं बहुत ही खुश था, पर आजकल उसे लाना पर शक है। उन्हें लगता है कि शायद लाना किसी के साथ अफेयर चल रहा है। इस बात से होल्डन नर्वस हो गया। फादर ने कहा कि मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो पता चल जाएगा। होल्डन डर चुका था तो लाना को मिलने के लिए एक मोटेल में बुलाता है। उसने कहा कि फादर को शक चला गया है, उनके बीच में जो भी है ये कंटिन्यू हो नहीं सकता। होल्डन अब इस टाउन से दूर जाने वाला था। लाना कहती कि मुझे भी तुम्हारे साथ लेकर चलो। आज ये दोनों यही पर आखिरी बार इंटीमेट हो गए। होल्डन को नींद आ गई, उसके आँख खुली तो रात हो चुकी है। वो जब इस मोटेल से जा रहा था तो डेस्क पर भी कोई भी नहीं। जाते जाते उसे एक बेगर मिला। उस बेगर ने उसे टाइम और कुछ पैसे मांगे। होल्डन ने उसे $100 दे दिए। इसके बाद वो घर पर आकर अपने लिए ड्रिंक वगैरह बनाता है। उसने हॉल में देखा तो शॉक था क्योंकि उसके फादर का मर्डर हो चुका है। पुलिस बुलवाई गई, उन्होंने देखा कि उसके फादर पर बहुत सारी इंजुरीज है। वो होल्डन से और लाना से क्वेश्चंस करते हैं। पुलिस ने पूछा कि तुम कहाँ थे। होल्डन कहता है कि मैं मूवी देख रहा था। लाना का कहीं भी अता पता नहीं था। वो लेट 11 बजे घर पर पहुंचती है। पुलिस उससे पूछते हैं, तुम कहाँ थे। लाना ने कहा, मैं मेरी फ्रेंड निकोल के साथ डिनर कर रही थी। रात में होल्डन लाना के रूम में आता है तो बहुत सारे पैसे लेकर रात में कहीं जा रही थी। होल्डन ने पूछा कि ये क्या है। लाना कहती है, हम दोनों जब इंटीमेट हुए थे तो मेरी फ्रेंड निकोल ने हमें देख लिया था। उसके पास हमारा वीडियो टेप है। अगर ये टेप पुलिस को मिल जाता तो इन दोनों पर ही शक आएगा, तो इसी वजह से निकोल उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। यही पैसे देने के लिए लाना जा रही थी। सारी चीजों की वजह से होल्डन बहुत ही डिस्टर्ब है। अपने फादर का फ्यूनरल चल रहा था तभी होल्डन को लाना से बात करनी थी। सबके सामने उसके साथ बात नहीं कर सकती है, तो होल्डन ने उसका हाथ पकड़ लिया। होल्डन के फादर के लॉयर हैरी ने ये सब देखा और होल्डन को कुछ भी गलत करने से रोक लिया। फादर का लॉयर जिसका नाम हैरी, होल्डन से कहता है, तुम्हारे फादर के पास सब कुछ था, सिर्फ जवानी नहीं। शायद यही चीज वो लाना के साथ ढूंढ रहे थे। पुलिस को लगता है जिसने तुम्हारे फादर का मर्डर किया वो बहुत स्ट्रांग होगा। लॉयर को लाना पर शक है कि शायद उसने किसी की हेल्प से ये मर्डर किया। लाना अकेली थी तो होल्डन इसी के बारे में उसे कन्फर्म करता है। लाना को लग रहा था शायद होल्डन ने मर्डर किया। उसे कहती है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ये दोनों एक दूसरे पर बिलीव नहीं करते। अब थोड़ा टाइम बीत चुका था। शांत होकर होल्डन और लाना बात करते हैं। होल्डन ने कहा, फादर मेरी मदर को बहुत मारते थे, उसे अकेला छोड़कर चले गए। जब वो बीमार पड़ी फिर भी उसका हाल पूछने के लिए नहीं आए। मैं उन्हें हेट करता था, मेरी मदर को अब्यूज करने के लिए, तुम्हें मारने के लिए। लाना कहती कि तुम्हारे फादर ने मुझे कभी भी नहीं मारा। होल्डन ने लाना के हाथ पर जो निशान देखे थे ये जिम में वर्कआउट की वजह से हुए थे। इसके बाद लाना निकोल को पैसे देने के लिए जा रही थी। होल्डन लाना पर ट्रस्ट नहीं करता तो उसका पीछा करते करते उस साइड तक आ गया। होल्डन को देखकर लाना और निकोल यहाँ से चले जाते हैं।
होल्डन को फिर उसके लॉयर ने बुलवाया हुआ था। वो कहता है तुम्हारे फादर की वेल में लाना को कोई भी जिक्र नहीं, सारी प्रॉपर्टी होल्डन को ही मिलने वाली है। लॉयर को शक है कि शायद होल्डन ने अपने फादर को मार डाला। होल्डन ने पुलिस से कहा था कि उस रात वो मूवी देख रहा था, पर लॉयर ने पता किया है कि उस दिन कोई भी शो नहीं हुआ। लॉयर को एक टेप भी मिली थी जिसमें लाना और होल्डन ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। होल्डन उसे सब कुछ सच बताता है, कहता है उस दिन मोटेल में हम लास्ट टाइम मिले थे। लॉयर ने फिर पूछा कि क्या लाना तुम्हारे साथ ही थी। होल्डन कहता है कि मुझे नींद आ गई थी तो वहां से चली गई। लाना पर शक और भी बढ़ चुका था। लॉयर कहता है अगर तुम तुम्हारे फादर के मर्डर के इल्जाम में जेल में चले गए तो लाना को सब कुछ प्रॉपर्टी मिल जाएगी, वो तुम्हें फ्रेम करना चाहती है। रात में जब होल्डन घर में अकेला था तो उसे लगा कि वहां कोई है। अपनी फादर की कार वो देखता है तो वहां पर एक लेटर पड़ा हुआ है। ये लेटर होल्डन का सुसाइड लेटर है। इस लेटर में होल्डन ने कन्फेस किया है कि उसने अपने फादर को मारा। इसका मतलब है होल्डन को अब कोई मारकर उसे मर्डर के लिए फ्रेम कर देगा। होल्डन सावधान हो गया। उसने घर के बाहर लाना को देखा, उसके पास गन थी। उसे फाइट कर कर गन ले लेता है। लाना कहती कि मैं तो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही थी, मुझे लगा कि घर में कोई है, प्लीज मुझ पर बिलीव करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इन सब बातों से होल्डन डिस्टर्ब हो जाता है, वो यहाँ से चला गया। अपने लॉयर के पास जाकर उन्होंने ये सब बातें पुलिस को बता दी। सारी स्टोरी सुनने के बाद पुलिस को लगता है कि होल्डन ने अपने फादर का मर्डर किया, उसे वो अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस ने लाना के बारे में इन्वेस्टिगेशन की, उन्हें पता चला कि लाना किसी और कंट्री में चली जा चुकी है। सारा शक उसी पर चला जाता है। फिर पुलिस स्टेशन में कन्फेस करने के लिए निकोल पहुंची। वो कहती है लाना और मेरा अफेयर था, उसने मुझे होल्डन को ब्लैकमेल करने के लिए कहा था। ब्लैकमेल से उन्हें बहुत सारे पैसे मिल सकते थे, पर उसके बाद लाना ने होल्डन के फादर को मार डाला। अगर वो उसे मार सकती है तो शायद मुझे भी मार सकती थी, तो इसी वजह से निकोल ने उसे ब्रेकअप कर लिया। उसका होल्डन का मारने का भी प्लान था, उसे एज अ सुसाइड वो स्टेज करने वाली थी। ये सब बातें सुनने के बाद होल्डन ने पुलिस से जो भी किया ये कन्फर्म हो जाता है। होल्डन को छोड़ देते हैं, उसे अब सारी प्रॉपर्टी मिल चुकी है। होल्डन का लॉयर कहता है तुम्हारे फादर की टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आई, इसे पता चला उन्हें जहर दिया गया था। उन पर वार करने से पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी। रात में फिर घर पर होल्डन मर्डर वेपन को ढूंढ लेता है। अंधेरे में से निकोल बाहर आए, होल्डन के पास आकर उसे किस कर लेती है। मतलब सारा कुछ प्लान होल्डन और निकोल का था। ये दोनों एक्चुअल में एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे, ऑलरेडी दोनों रिलेशनशिप में थे। फिर इन दोनों ने मिलकर होल्डन के फादर को मार डाला। पुलिस को लगता है कि लाना इस कंट्री से चली गई, पर एक्चुअल में निकोल ने लाना के कपड़े पहने थे। उसका पासपोर्ट लेकर वो अलग कंट्री से जाकर फिर से वापस आ गए। होल्डन ने निकोल से पूछा तुमने लाना की बॉडी का क्या किया। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस रात होल्डन ने लाना को बहुत ही इंजोर कर दिया था, उसके साथ निकोल भी थी। वो निकोल से कहता है जाकर इसकी बॉडी डंप कर कर आओ। निकोल ये काम करने के लिए मान नहीं रही थी, पर होल्डन कहता है तुम्हें प्यार के लिए ये सब चीजें करनी ही पड़ेगी, मैंने भी अपने फादर को मारा। होल्डन के जाने के बाद निकोल ये कर नहीं पाए, उसे एक लीफ के पास लेकर जाकर वहां से नीचे गिरा देती है। अब ये सब चीजें उसने होल्डन को कही तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। रात में ही ये दोनों क्लिफ के पास जाकर उस बॉडी को ढूंढ रहे थे, उन्हें बॉडी कहीं भी मिल नहीं पाती। वहां पर उन्हें लाना का नेकलेस मिला। ये अज्यूम करते हैं कि शायद लाना की पानी में गिरकर डेथ हो गई। होल्डन रिलैक्स हो जाता है। मर्डर वेपन पर उसने ऑलरेडी लाना के फिंगरप्रिंट ले लिए थे। वो पुलिस को कॉल कर इस मर्डर वेपन के बारे में बताता है। तभी अचानक से घर के लाइट चले गए। लाना बाहर निकलकर होल्डन को शूट करती है। उस क्लिप से नीचे गिरकर वो बहुत ही इंजोर्ड थी। वो कहती मैं तुमसे प्यार करती थी, तुम ये सब कर कैसे सकते हो। होल्डन कहता है हम दोनों में से कोई भी इनोसेंट नहीं, तुम भी मेरे साथ इंटीमेट हुई थी, मेरे फादर के साथ सिर्फ पैसों के लिए थी। लाना ने पूछा या कभी तुमने मुझसे प्यार किया था। होल्डन कहता है कि नहीं। अब लाना उसे मारने वाली थी तभी वो घर से बाहर निकल जाता है। भागते भागते फिर से उसी क्लिफ तक पहुंच गया। अब लाना उसे मार ही डालती तभी पुलिस होल्डन के घर पर पहुंच गए थे। वो लाना को शूट कर देते। अभी भी सबको लगता है कि लाना ने ही सब कुछ किया। फाइनली होल्डन को अपने फादर के सारे पैसे मिल चुके हैं। अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वो वैकेशन पर जाता हुआ हम देख सकते हैं। वो हमसे कहता है
इस वर्ल्ड में जीना बहुत ही डिफिकल्ट है। मुझे मेरे सर्वाइवल के लिए जो सही लगा वही मैंने किया। उसे कुछ भी पछतावा नहीं। उसे लगता है उसकी जनरेशन ही इसी तरीके से है, उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।